आज के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा चमत्कारी नुस्खा बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपने बाल काले, घने, लंबे, मुलायम और सिल्की बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान से नुस्खे के साथ। दोस्तों, काले घने बाल हर कोई हासिल करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोगों को सही तरीका पता होता है, क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ केमिकल से बने प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करते रह जाते हैं, और जिस कारण वो अपने बालों को क्षति पहुंचाते हैं और फिर मायूसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही दुख की बात है कि कुछ कंपनियां जो केमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है वो अपने झूठे झूठे एडवर्टीजमेंट्स दिखाकर भोले भाले लोगों को नुकसान पहुंचाती है और उनका इस्तेमाल करती है उनके सिर्फ पैसों के कारण। उन सभी से बचने का इलाज यही है कि हम घरेलू और जो हमारे भारतीय संस्कृति ने हमें सिखाया है वही हम इस्तेमाल करें और नेचुरल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा शानदार और घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने बालों को काला, घना, लंबा कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कुछ समय में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपने अब तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो इसे जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए लाल बटन को अभी के अभी दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए लाते हैं ज़बरदस्त टिप्स जिससे आप घर पर ही अपनी औषधि बना सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम डायरेक्ट आते हैं नुस्खे की तरफ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मेरी टेबल के सामने अभी क्या रखा है। दोस्तों, यह है एलोवेरा जूस। जी हाँ दोस्तों, बाजार में एलोवेरा जूस कई प्रकार के मिलते हैं। आप उसमें से कोई भी जो सबसे नेचुरल और जिसमें सबसे कम प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल मिले हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो एलोवेरा जूस है वो मैंने पतंजलि का ले रखा है, क्योंकि पतंजलि इस टाइम मार्केट में काफ़ी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं जिनमें केमिकल की मात्रा बहुत कम है। मैं पहले बता दूं कि मैं कोई पतंजलि का कोई मैं विक्रेता नहीं हूँ, ना मैं उनके साथ कुछ जुड़ा हुआ हूँ। मैं सिर्फ एक आम नागरिक होने के कारण आपको ये सूचना दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अब हम डायरेक्ट बात करते हैं नुस्खे की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलोवेरा जूस क्या काम करता है। दोस्तों, एलोवेरा जो जूस होता है उसमें गजब का जादू होता है। जी हाँ, बालों में एलोवेरा जेल लगाने से बालों का झड़ना, सफ़ेद होना बिल्कुल बंद हो जाता है। इसके लिए आपको करना ये है कि एलोवेरा जेल में नींबू का रस बनाकर एक पेस्ट बना लेना है। जी हाँ, एलोवेरा जेल जेल आपने लिया और इसके अंदर नींबू का रस मिलाकर, जी हाँ, हमें करीब आधा नींबू लेना है। ध्यान रखें इसके बीज निकाल लें आप, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको निकाल के। बीज निकालने के बाद आपको एलोवेरा जूस के अंदर करीब आधे नींबू, एलोवेरा जूस भी करीब आपका 50 से 100 ml के बीच में ही होना चाहिए। फायदा असरदार यही रहेगा कि आप उतना ही इस्तेमाल करें जितना आप बालों की जड़ तक अच्छे से लगा पाएं। तो मैंने यहाँ 50 ml लिया है, इसके अंदर करीब आधा नींबू का रस अच्छे से निचोड़ लें। मैं आपको दिखा रहा हूँ निचोड़ के, आपको अच्छे से निचोड़ना है। और जब निचोड़ लें उसके बाद इस पेस्ट को आप अच्छे से मिला लीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही आजमाया हुआ और बहुत ही असरदार नुस्खा है। तो इसे एलोवेरा जेल में नींबू का रस आप मिलाकर, आपको अच्छा सा ये पेस्ट बन जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पेस्ट को बालों में जड़ तक अच्छे से लगाएं। जी हाँ, बालों में जड़ में अच्छे से लगाने के बाद आप इसे करीब अच्छे से 10 से 15 मिनट मालिश करें और बालों को यूं ही छोड़ दें। फिर उसके आधे घंटे बाद आपको नहाना है और नहाने के बाद आपको अच्छे से अपने बालों को सुखाना है एक साफ तौलिए की मदद से। ऐसा करते करने से मात्र सिर्फ 4-5 दिनों में ही आप उसका फायदा महसूस करने लग जाएंगे और 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि मात्र 2 हफ्ते बाद आपके बालों में की रंगत बिल्कुल बिल्कुल ही बदल जाएगी। आप महसूस करेंगे कि आपके बाल स्वस्थ, काले, घने, लंबे होना शुरू हो जाएंगे और आपके बालों की जितनी भी झड़ने की समस्या है, गिरने की समस्या है और जो सफ़ेद सफ़ेदी छा रखी है आज तक, वो सब धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही असरदार नुस्खा है और इस नुस्खे से न जाने कितने ही लोगों ने फ़ायदा उठा रखा है।
दोस्तों मैंने आज आपको ये वीडियो इसलिए बताई है क्योंकि मैं उन सभी लोगों के जो ईमेल और मैसेज आते हैं मेरे पास, मैं उन सब की आज मदद करना चाहता था, क्योंकि केमिकल प्रोडक्ट्स के होने के कारण वो अपने बालों की जो खोई चमक है वो खो देते हैं, और जो चमक खोने के बाद बेचारे हमेशा हताश महसूस करते हैं। तो दोस्तों आज आप ये इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए, और जितने भी आपके जो दोस्त और आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही असरदार नुस्खा है और इसकी मदद से उनको ज़रूर लाभ होगा। दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी, इसे कमेंट के माध्यम से हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। Take a body's high.